स्विट्जरलैंड का पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट पूर्व प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई ने भी चखा था जायका। खाना इंसान की बुनियादी जरूरत है। वक्त के साथ उसमें बहुत से बदलाव होते रहे हैं। लोगों की जेब भारी होनी शुरू हुई तो पसंद के मुताबिक उन्होंने बाहर जाकर खाना शुरू किया। बाजार में बहुत तरह के रेस्टोरेंट की बहार सी आ गई। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो इतिहास बन गए। ऐसे ही रेस्टोरेंट में से एक है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख का हॉस्टल, जो पिछले 100 साल से आबाद है और इसने पूरे यूरोप के खाने के अंदाज को बदल दिया। ये खालिस शाकाहारी रेस्टोरेंट है। हॉस्टल ज्यूरिख का सबसे मशहूर और खाने के शौकीनों का पसंदीदा रेस्टोरेंट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी रेस्टोरेंट होने का खिताब हासिल है। इसकी शुरुआत ज्यूरिख के हिल परिवार ने 1898 में की थी। तब से अब तक इस परिवार की ना जाने कितनी पीढ़ियां अपने पुरखों की विरासत संभालते हुए कामयाबी से आगे बढ़ रही हैं। ज्यूरिख के लोग मुख्य रूप से मांस खाने के शौकीन हैं। ऐसे में एक शाकाहारी रेस्टोरेंट का इतने बड़े पैमाने पर सिक्का जमाना अपने आप में बड़ी बात है। पूरे यूरोप में मुख्य रूप से सुअर और बछड़े का गोश्त ही खाया जाता था। इसका ताल्लुक आर्थिक और सामाजिक स्तर से भी जुड़ा था। सब्जियों के नाम पर पनीर, आलू और जड़ वाली सब्जियां ही खाई जाती थीं। हिल्ट रेस्टोरेंट दिलचस्प की दिलचस्प कहानी। हिल्ट रेस्टोरेंट के कायम होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि एम्ब्रोसियस हिल्ट नाम के दर्जी को गठिया का मर्ज था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसे ज्यादा दिनों तक जीना है तो गोश्त खाना छोड़ना होगा। बात 1890 की है। उन दिनों ज्यूरिख में बिना गोश्त का खाना शायद ही कहीं मिलता था। एब सट्टिनेंस नाम का सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट था, जहां सब्जियों के कुछ पकवान मिला करते थे। एम्ब्रोसियस हिल्ट ने 1904 में इसे खरीद लिया और इस रेस्टोरेंट की कुक मार्था से शादी कर ली और फिर रेस्टोरेंट का नाम बदलकर हॉस्टल्ट कर दिया। जिस साल एम्ब्रोसियस हिल्ट ने ये रेस्टोरेंट खरीदा उसी साल स्विट्जरलैंड में प्रकृति के नजदीक आने, पौष्टिक और संतुलित भोजन खाने की मुहिम छिड़ गई। डॉक्टर मैक्सिमिलियन बिरशर बेनर ने मीट फ्री खाने के लिए मुहिम छेड़ दी। इसके बाद लोगों का रुझान पौष्टिक खाने की ओर झुकने लगा और हिल्ट रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि शुरुआती दौर में इस रेस्टोरेंट को चलाने में काफी दिक्कत हुई थी। फिर हालात बदलने लगे। 1951 में रेस्टोरेंट का मौजूदा रूप सामने आया। शुरुआती दौर में यहां सिर्फ ज्यूरिख के स्थानीय पकवान ही मिला करते थे। इनमें आलू और जड़ वाली सब्जियां शामिल होती थीं। लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ियों ने इसकी बागडोर संभाली, इस रेस्टोरेंट ने सरहदों की दीवारें तोड़ दी। आज यहाँ हिंदुस्तानी, एशियन, मेडिटेरेनियन और स्विट्जरलैंड के तमाम शाकाहारी पकवान मिलते हैं। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई ने चखा खाना। यहाँ तक कि जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्विट्जरलैंड गए तो उन्होंने भी यहाँ भारतीय खानों का लुत्फ लिया। और जब स्विस एयरलाइंस ने हॉस्टल्ट की मदद से अपने यात्रियों को शाकाहारी भोजन परोसना शुरू किया तो इससे ये रेस्टोरेंट दुनिया भर में मशहूर हो गया। द हिल्ट अकादमी। 2015 में हॉस्टल्ट के ही 5वीं मंजिल पर द हिल्ट अकादमी खोली गई। यहाँ शाकाहारी खाने के शौकीन और प्रोफेशनल शेफ शाकाहारी डिश बनाना सीखते हैं। यहाँ एक कोर्स मार्गरिटा की इंडियन रेसिपी पर आधारित है। रॉल्फ ने खुद ही बहुत सी कुकिंग बुक्स लिखी हैं। अब न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस जैसी जगहों पर भी फ्लैगशिप रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है।